हेलो बच्चों, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? यस, एकदम जकास, फ्रेश एकदम। ओके, हेल्थ और सब गुड है बेटा? अच्छे है ना? अच्छा, ये कौन है? सर नहीं दिख रहे, लेकिन ये कौन दिख रही है? आई टोल्ड यू ना, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था ना, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट मुनिया। यस, ये कौन है? मुनिया, योर फ्रेंड। यू नो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास में पढ़ती है ना, आपको पता है? नो। और ये कौन है? ये, हाँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये पेंटर अंकल है। कौन है? पेंटर अंकल। ओके, हेलो बच्चों, मैं विजय सर, वेलकम अवर इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग सब, आपका सबका सबका वेलकम है। ओके बच्चा, अच्छे हो ना सब लोग? मम्मा पापा सब लोग वेल है बेटा? वेरी गुड। कोई चीज भी नहीं खाते ना बाहर की? घर पे रहते हो ना? ओके, देखो हम लोग घर पे रहते, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग स्टडी भी कहाँ से कर रहे हैं? घर में से कर रहे हैं, राइट? देखो यदि बाहर ही जाना होता तो हमारी स्कूल भी चालू होती ना। अच्छा सर, आपके पीछे क्या दिख रहा है? यस, मैंने कुछ ड्राइंग की है। देखो, आपको भी आज ऐसी ड्राइंग करनी है? यस, मैं आपको भी ऐसी ड्राइंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है? आज हम लोग मैथ्स के अंदर मिरर हैफ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, हमारा जो चैप्टर है ना बेटा, हाँ, हमारा चैप्टर कौन सा है बोलो? किसको बताया हमारे चैप्टर के बारे में? यस, कौन बताएगा? हाँ, वेयर टू लुक फ्रॉम, वेयर टू लुक फ्रॉम, यानी कहाँ से देखे। उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? क्या थी जोवू। गुजराती में क्या बोलते हैं? क्या थी जोवू, मतलब कहाँ से देखे। और जहां से भी देखते हैं वहां से सब चीजें हम लोग को अलग अलग टाइप में दिखती है। चीज होती है एक ही, लेकिन दिखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यानी देखने की जो हमारी आंखें है ना, वो अलग अलग डिरेक्शन में से अलग अलग देखती है। जैसे अभी मैंने ये पेन इस तरह से बताई आपको, अभी देखो टॉप साइड से दिख रही है, फिर ये बॉटम साइड से, सारी हम लोग चीज डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा। देखो बच्चों, लेक्चर अभी स्टार्ट हो गया ना अपना, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोग को यदि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो यू कैन यूज ईयरफोन, ठीक है? हाँ, ईयरफोन, हमने हैंड्स फ्री जो भी बोलते हैं उसको आप कान में लगा के फिर ये लेक्चर को देखिए, तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ओके बेटा, तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ना, वो डॉट्स वाला दिया था। हाँ, डॉट डॉट था, उसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स बनानी थी। जैसे कि देखो ये रहा बुक के अंदर, ये तो मैंने करवाया था आपको होमवर्क में, सॉरी यहाँ पे भी करवाया था ना, फिर इसको होमवर्क में करने को दिया था। हमने काइट बनाई थी, लीफ बनाया था, यानी कि पत्ता है ना, ये पान, पेड़ का पत्ता बोलते हैं ना, ट्री। फिर हमने लोटस बनाया था, फिर ये मैंने आपको दिया था, याद है सबको? अच्छा, ये बोट है, बोट। देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, कहाँ गया, ये लिखा, देखो बोट लिखा है, ठीक है? तो बोट भी हमको बनानी थी। फिर ये स्टार भी मैंने बना के बताया था, ये पॉट मैंने आपको दिया था बनाने, देख लो पॉट कैसे बनाते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है बेटा? तो आज हम लोग फिर से, हमारा ये चैप्टर है कहाँ से देखे, और देखे तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे देखते, वो आज हम लोग ये लेक्चर में देखेंगे अगेन। ओके, देखो बेटा, आज हम लोग है ना, ये एक स्टोरी है ना मुनिया की, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग टेक्स्ट बुक ले लो। ओके, टेक्स्ट बुक ले लिया सबने, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, टीट फॉर टैट, ठीक है? तो अब ये देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये जो पेंटर, हाँ ये मुनिया है ना, मुनिया क्या बोल रही है? सी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कैन यू मेक माई पिक्चर? यस, क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते, आप मेरी ड्राइंग बना सकते? कौन बोल रहा है ऐसा? मुनिया बोल रही है। देन पेंटर अंकल टोल्ड, पेंटर अंकल ने क्या कहा? यस श्योर, आई चेंज रुपीज 200, सॉरी आई चार्ज, सॉरी माई मिस्टेक स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा, आई चार्ज रुपीज 200 फॉर इट, मैं उसका कितना रुपया लूंगा, 200 रुपीज, यानी 200 रुपया उसका चार्ज लगेगा।
ओके, आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर. थोड़े समय के बाद ये जो पेंटर अंकल है ना, उसने मुनिया की ड्राइंग बना दी थी और फिर उसको दिखाया. अमीना, अमीना क्या बोल रही है, हाउ डू यू लाइक इट. ओके सॉरी, पेंटर अंकल ने अमीना को बोला कि अमीना ये तुमको कैसा लगा. तो मुनिया क्या बोल रही है, यस, मुनिया ने क्या आंसर दिया, बट दिस इज ओनली हाफ, लेकिन ये तो सिर्फ हाफ पिक्चर है. देखो तो यहाँ पे पेंटर अंकल ने कैसा है उसका पिक्चर बनाया है, ओनली हाफ पिक्चर बनाया है. पता चल रहा है आपको. मुनिया तो सोच में पड़ गई, अरे अंकल ये क्या हो गया, ये तो मेरा हाफ पिक्चर बन गया. देखो मुनिया का मुंह कैसा हो गया है, यस, उसका मुंह देखने जैसा है ना एकदम, यस, वो सोच रही अरे ये क्या. देखो जब ये पेपर में उसने देखा ना, अरे ये तो मेरी हाफ पिक्चर बन गई, अब क्या. तो फिर ये पेंटर अंकल क्या बोल रहे, देखो, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली, देखो बेटा यहाँ पे सब लोग ध्यान देना है ना मैं क्या पढ़ रहा हूँ, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, यानी आधा जो पिक्चर है ना, ये आधा जो मैंने बनाया है, मुनिया देख रही है तो मुनिया देख रही है. तो फिर पेंटर अंकल ने क्या बोला कि अदर जो है वो बिल्कुल उसके जैसा, ये सेम है. सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर. क्या बोल रहे हैं कि आधा पिक्चर आपको कंप्लीट करना है, तो जो मिरर होता है ना, मिरर पता है बेटा आपको, मिरर मीन्स शीशा जिसमें हम लोग रोज कॉम्ब करते हैं ना हमारे हेयर को. देखो ये रहा मिरर, आज मैं लेके आया हूँ मिरर, मैंने बोला था ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिरर से बताऊंगा. यस, अरे सर का फेस कहाँ गया, सर का फेस तो गायब हो गया. ये देखो ये मिरर आ गया फिर से. ओके बेटा, तो आज मैं आपको मिरर से भी ये बताने वाला हूँ. ओके सी, तो दूसरा जो है वो पेंटर के एकदम पूरा हाफ है. सी, नाउ कैन आई हैव माई मनी. आप पेंटर अंकल क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे, आप अपनी मनी दो, मतलब मेरा ये जो मैंने बना दिया है उसका मनी दोगे, मुझे पैसा दोगे, मैंने तो पेंटिंग बना दी है. देखो ये मिरर में दिखा है, ठीक है ना, तो मिरर में पूरी आधी जो थी अमीना वो पूरी हो गई, यानी हाफ उसका जो ड्राइंग था ना वो कंप्लीट हो गया. अमीना गेव हीम अ 100 रुपीज नोट. अच्छा बेटा आपको पता है ना टोटल ये पिक्चर का कितना रुपया बोला था उसने, 200 रुपीज, कितना रुपया बोला था, 200, लेकिन अमीना ने तो कितना दिया, 100 रुपीज की नोट दिए. क्यों 100 रुपीज की नोट दी, कौन बताएगा मुझे. यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि उसने ड्राइंग भी कैसे बनाई है, हाफ बनाई है, तो फिर उसने नोट भी, पैसा भी कैसा दिया है, हाफ दिया, यानी 100 रुपीज की नोट दिए. अब पेंटर अंकल क्या बोल रहे, बट दिस इज ओनली हाफ द मनी. पेंटर अंकल ने बोला लेकिन ये तो आधा ही पैसा है, सिर्फ आपने तो आधा ही पैसा दिया, देना था मुझे 200, तो आपने तो सिर्फ 100 रुपीज़ दिया. देखो अब मजा आएगी. हाँ, अब अमीना कुछ जोक जैसा करने वाली, यानी अमीना अब देखो क्या करती है, पेंटर अंकल को कैसा आंसर देती है, देखना बेटा. हाँ मजा आएगी. अभी अमीना बोल रही है द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, यानी मैंने आधा पैसा जो दिया है ना, हाँ, तो अदर मनी है बिल्कुल उसके जितनी ही है, यानी 200 रुपया हुआ था ना, तो अमीना ने कितना रुपया दिया, सिर्फ 100 रुपये की नोट दी, ठीक है. तो फिर अमीना अंकल ने बोला कि आपने मुझे आधा ही क्यों दिया, तो अमीना ने क्या बोला कि दूसरा आधा पैसा बिल्कुल उसके जितना सेम है. अरे भगवान, अमीना भी क्या बाकी ब्रिलियंट लड़की है. सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी. हा हा हा, अमीना ने क्या बोला बेटा कि मैंने आपको 100 रुपीज की नोट दी, ठीक है, अब मिरर रखो तो उसका जितना सेम पैसा आपको दूसरा मिलेगा. देखो बेटा यहाँ पे अमीना जो थी ना उसने जोरदार जॉब कर दिए ना अंकल के साथ, पेंटर अंकल के साथ. 200 रुपीज हुआ था, कितना रुपया हुआ था, 200,
लेकिन अमीना ने कितना दिया, सिर्फ 100। तो पेंटर अंकल ने क्या बोला, बोले और मैंने 200, मुझे तो आधा ही दिया है। देखो हम लोग जो ड्राइंग होती है ना उसका आधा मिरर में देख सकते हैं। 100 रुपीज की नोट को जो है वो उसको हम मिरर में देखेंगे तो क्या 200 दिखेगा? नो ना, नहीं दिखेगा ना बेटा। लेकिन अमीना ने तो ऐसा जोक कर दिया, बेचारे पेंटर अंकल को कैसा मतलब मजाक कर दिया उन्होंने। देखो ये 100 रुपीज की नोट मिरर में देखा तो दूसरी 100 रुपीज की नोट दिख गई। तो फिर क्या बोला कि ये 100 रुपीज की नोट और ये 100 रुपीज की नोट हो गए ना 200। ऐसा किसने बोला? अमीना ने। चलो बेटा अब देखो यहाँ पे कुछ हाफ पिक्चर बने हैं, ठीक है। ये पेंटर अंकल है ना, उन्होंने कुछ ऐसे हाफ ड्राइंग किए, बिल्कुल ऐसे ही सर ने भी कुछ हाफ ड्राइंग किए। देखो ये रही आपकी बुक में दिया है, अब इसको मिरर से कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पेंटर अंकल ने ऐसी ड्राइंग की, उसको हम लोग मिरर से कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पे लिखा है, कैन यू रिपीट द पेंटर्स ट्रिक वाइल ड्राइंग पिक्चर्स। देखो बेटा यहाँ पे अब फॉलोइंग, आप इसकी इसका आधा आधा पिक्चर बनाओगे पेंटर अंकल की तरह, तो इसको आपको होमवर्क में करना है। पहले मैं इसको कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। देखो विद द हेल्प ऑफ मिरर, ठीक है। देखो ये मिरर है, ठीक है। ये मिरर जो है बेटा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ओके। यहाँ पे सबका यहाँ पे ध्यान, चलो यहाँ पे देखो बोर्ड में ये सबसे पहले क्या है, कौन बताएगा मुझे? नहीं पता चल रहा है? अच्छा अभी पता चल जाएगा। देखो ये मिरर रख रहा हूँ मैं, मिरर को कैसे रखते हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा है सबको, पता चल रहा है ना? ये मैंने मिरर रखा बेटा, आपको पता चलेगा नहीं दिखेगा ना? एक मिनट, ठीक है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलो मैं मिरर तो ऐसे रखूंगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो देखो बेटा ये जो है ना, इसको हम लोग मिरर रखेंगे ना, मेरे को मुझे मिरर को यहाँ से देखना पड़ेगा। सी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले आप हाफ ड्राइंग देख लो, देखा आप लोगों ने हाफ ड्राइंग। अभी मैं मिरर को रख रहा हूँ, सी देखो बेटा पीछे वो क्लासरूम सब वो नहीं देखना हमको, यहाँ पे देखो ये मिरर मैंने रखा, देखो यहाँ पे रखना ये मिरर। अब देखो आप लोग, ये मैंने मिरर रख दिया, देखो मिरर के अंदर देखो आप लोग पूरा हाफ दिख रहा है। देखो अब पता चला ये जो है ना ये, हाँ सी देखो बेटा पता चल रहा है सबको? यस, ये जो है ना ये ड्राइंग है, ये मैंने पेन से ड्रॉ किया है, और ये मिरर है। ये मिरर को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना है, देखो मैंने कैसे रखा है मिरर को, देखो पता चल रहा है? हाँ ये हाफ है ना, ये हाफ को मैंने बिल्कुल ऐसे रखा है, लेकिन हम लोग को दिखेगा कहाँ से? पीछे से तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ से देखना पड़ेगा। ओके देखो अनदर पिक्चर, देखो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है कौन बताएगा? ये बटरफ्लाई था ना, ये क्या है कोई बताएगा? लैम्प, दिया बोलते हैं ना, दिया। हाँ मम्मी दिया जलाती, पूजा करते हैं हम लोग, दिवाली में भी दिया जलाते हैं, वो है। फिर ये क्या है स्टूडेंट्स? ये नहीं पता चला, चलो पहले ही हम लोग ये दिया कंप्लीट करते हैं। देखो पहले मैंने ऐसे रखा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पता चल रहा है सबको? पूरा बन गया ना, हाफ लैम्प था, अभी फुल लैम्प हो गया, यानी पूरा दिया बन गया। अब उसी तरह ये क्या है? फिश है, ठीक है। देखो अभी मैं फिश को ऐसे करूंगा, देखो बेटा सबको पता चल रहा है, दिख रही है फिश? हाफ फिश थी ना, तो पूरी बन गई ना, यस। अब देखो ये क्या है? कैट, कैट है ना। आप देखो मैंने एग्जैक्टली ऐसे रखा है मिरर, ठीक है। आप देखो यहाँ से, यस पता चल रहा है बेटा सबको? अच्छा थोड़ा ऊपर, ओके नाउ बेटा सब लोग देख रहे हो ना, ओके। चलो हम लोग स्टार भी देखते हैं, अभी आप देखो ये हाफ स्टार है, ठीक है। अभी मैं इसको ना फुल स्टार बना देता हूँ, देखो अब देखो दिख रहा है सबको? पता चल रहा है? ये मैंने मिरर हटा दिया यहाँ से,
फिर से हाफ स्टार हो गया। अब मैंने फिर से ये मिरर रखा, देखो एक्चुअली मेरा मिरर छोटा है ना बेटा, दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा है ना। आप लोग भी सब लोग देखो, ये मैजिक हो गया ना, मैंने पहले बोला था ना। चलो बटरफ्लाई फिर से देखते हैं, देखो बटरफ्लाई कितना मस्त दिख रहा है ना, फुल बटरफ्लाई दिख रहा है ना आपको। अब देखो ये पे मिरर हटा रहा हूँ, हट गया मिरर, फिर से मैं मिरर रख रहा हूँ, ओके पता चल रहा है। अच्छा ये देखो, ओके सबको पता चल रहा है बेटा, ओके। तो अब देखो ये जो सारे ड्रॉइंग्स है ना, मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ भी देखना, देखो हम लोग जब मिरर में देख रहे थे ना, तो मिरर में कैसा दिखा था, ये इसका आधा पोर्शन यहाँ पे दिखा था, राइट। यानी ये फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट बना है क्योंकि एक्चुअली अपने को मिरर की हेल्प से बनाना था ना बेटा, ओके नो प्रॉब्लम, ओके हो गया ना कंप्लीट बटरफ्लाई। फिर इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, ऐसा बन गया था ना जब मिरर में था तो आधा था, फिर मैंने हैंड मिरर से आपको बताया ना, तीसरा आधा पोर्शन था, सेम इसको भी मिरर से बनाना था, लेकिन मैं ऐसे बना लेता हूँ, मतलब कि अभी मिरर से तो आपको मुझे पता नहीं चलेगा ना। ओके अब ये फ्रीज थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था बेटा, यस देखो यहां पर सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए, अभी किसी को मिरर नहीं लेना है, मम्मी को मत बोलो मम्मी मुझे भी मिरर दो, मैं सर के जैसा बना रहा हूं, नो अभी आपको मिरर नहीं लेना है, पहले यहां पे ध्यान दो, हाँ अभी आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओके चलो ये स्टार्ट कंप्लीट करते हैं, ओके देन ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है फिर ऐसे और ऐसे, ओके स्टार्ट कंप्लीट, ओके पूरा दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, ठीक है। ये सब कुछ है ना हम लोग मिरर में देखेंगे ना, मिरर से मतलब ड्राइंग करना है। आप सोचोगे सर मिरर से कैसे ड्राइंग करेंगे, तो मिरर को आप ऐसे हाफ रखोगे ना तो आपको पहले पूरा दिखेगा, ठीक है। अब दिखेगा ना तो पता चलेगा, एक्चुअली हम लोग मिरर यहाँ से रख के तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बेटा, हाँ मिरर रख के हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो आपको देखना ही खाली मिरर से कि ये मिरर हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, मिरर हाफ, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है मिरर हाफ। मिरर हाफ का मतलब क्या है कि मिरर रखेंगे ना तो जो हाफ पोर्शन है वो हाफ बिल्कुल मिरर में सेम टू सेम दिखता है, बिल्कुल जैसा है ना वैसा ही दिखता है, तो उसको बोलेंगे मिरर हाफ, ठीक है। मिरर हाफ जो है ना सिंगुलर, इसको प्लूरल में क्या करेंगे, मिरर हाफ, मिरर हाफ, ओके ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको और भी चीज दिखाऊं ऐसी जो मिरर से बनानी है मुझे, देखो यहाँ पे, हाँ अब ये देखो हमको बताना है इसमें से कौन कौन सा मिरर हाफ है और कौन कौन सा नहीं है। चलो सबसे पहले ट्रायंगल दिया है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है बेटा, डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन जो है ना, हाँ ये डॉटेड लाइन के ऊपर हमको मिरर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये मैंने डॉटेड लाइन के ऊपर मिरर रख दिया, चलो देखो पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ तो ये मिरर हाफ है, ये मिरर हाफ है, ओके दिस इज अ मिरर हाफ। चलो इसको देखते हैं ये मिरर हाफ है कि नहीं, चलो हाँ बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, जैसे ये आधा पोर्शन है ना, तो ये जैसे है वैसे ही बिल्कुल, यानी ये पूरा ट्रायंगल है कि नहीं,
मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो आधा पोर्शन था, आधा था ना, तो आधे के ऊपर मिरर रखा था, पूरा बन गया। मिरर रखने से क्या बन गया, पूरा। तो यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। देखो अभी ये जो है ना, इसको मैं ऐसे रखूंगा ना ऐसे, तो ये मिरर हाफ नहीं हो पाएगा। इसको भी ऐसे रखूंगा तो मिरर हाफ है, ऐसे रखूंगा तो मिरर हाफ हो जाए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब ये देखो, ये पूरा ट्रायंगल है, अब ये मिरर हैव है कि नहीं वो आपको मुझे बताना है। ये मैंने रख दिया, चलो ये मिरर हैव है नहीं है। देखो ये तो पूरा नीचे ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, तो ये मिरर हैव नहीं है। अब ये ओके, ये मिरर हैफ है, ये भी नहीं है, वेरी गुड। ये वाला, चलो ये एक मिनट है बेटा, ओके ये मिरर हैफ है, हाँ ये है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर ये देखो, ये पहले मैं मिरर रख देता हूँ, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। देखो ये पूरा ट्री है, ये ट्री है ना, तो ये पूरा ट्री कंप्लीट होना चाहिए। मिरर हैफ रखने से ड्राइंग कंप्लीट बननी चाहिए, उसको मिरर हैफ बोलते हैं। मिरर रखने से आधा आधा पोर्शन मिलके क्या हो जाता है, पूरा अक्खा पोर्शन हो जाता है, पूरा अक्खा फिगर बनता है, पूरा अक्खा ड्राइंग बनता है, फुल ड्राइंग बनता है। ठीक है, मिरर हैफ उसी को बोलते हैं, पता चल रहा है बेटा आपको सबको। देखो यहाँ पे देखो फिर से, ये मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो ये मिरर हैफ है, नो, ट्री का ऊपर का ही भाग दिख रहा है ना हमको, नीचे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये मिरर, हाँ अब ये बी को देखो, हाँ बी दिख रहा है आपको, एक मिनट हाँ बेटा, ओके तो बी तो मिरर हैफ है ना, मिरर हैफ है ये, यानी हम लोग मिरर रखते हैं तो हमको आधा दिखता है, और आधा जो है वो कंप्लीट भी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मिरर, मिरर की हेल्प से कंप्लीट हो रहा है ना। ये आई सॉरी ये टी है, देख रहे हो टी दिख रहा है, ये टी को ऐसे रखेंगे ना तो ये मिरर हैफ नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे रखो तो पूरा टी बन जाएगा। देखो आप टी को देखो, पता चल रहा है बेटा सबको, पता चल रहा है, ये देखो ओके अब पता चल रहा है, तो ये मिरर हैफ है। नीचे एम भी देख लो, टी के नीचे एम दिया है, वो भी मिरर हैफ है। देखो अभी आधा था, ये मैं डॉटेड लाइन के ऊपर ला रहा हूँ, ये मिरर हैफ हो गया। ये जो दिया ना हार्ट का पोर्शन, वो भी मिरर हैफ है, देखो पूरा कंप्लीट बन रहा है ना। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये मिरर हैफ होगा, ये ग्लास है, ग्लास आई थिंक, हाँ ग्लास जैसा ही ना पिक्चर, हाँ ये मिरर हैफ है। देखो यदि ऐसे होता ना, ये ऐसे होता तो मिरर हैफ होता ऐसे, हाँ हॉरिजॉन्टली, ये तो वर्टिकली है, ठीक है। आड़ी लाइन जो है ऐसे मिरर हैफ नहीं बन पाएगा, देखो कंप्लीट होना चाहिए। मैं यहाँ पे मिरर रखूँ तो ये ऊपर का पोर्शन नीचे कंप्लीट होना चाहिए, हो रहा है कंप्लीट, नो सर नहीं हो रहा है ना बेटा, लेकिन ऐसे रखूंगा तो देखो मिरर हैफ है, ओके अब ये भी मिरर हैफ नहीं है, ये है मिरर हैफ वो भी नहीं है, ये वाला पोर्शन तो होगा ही, हाँ ये भी मिरर हैफ है, उसके बाजू वाला भी मिरर हैफ है। देखो देखो बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना तो ही पता चलेगा, देखो ये भी मिरर हैफ है, फिर ये जो काइट बनी है ना वो मिरर हैफ नहीं है, ये आड़े में लाइन बनी है ना, ये एस वर्टिकल, ये नहीं है, हाँ ऐसे होती है, देखो मेरी फिंगर घूम रही है ऐसे, देखो ऐसे होता ना तो मिरर हैफ होता, देखो ऐसे हो तो ये मिरर हैफ है, ये है ना मिरर हैफ, लेकिन ये ऐसे रखूँगा तो नहीं है, और हमको तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन उसके ऊपर ही हम लोग को मिरर रखना है, ओके। चलो ये लास्ट वन देखो, ये भी मिरर हैफ है, हाँ एक मिनट नहीं पता चल रहा है आपको, अच्छा आप देखो, नहीं बेटा ये नहीं है मिरर हैफ, तो पता चल गया हमको कौन कौन सा मिरर हैफ है। देखो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये है यस, ये मिरर हैफ, आपको यस और नो लिखना है, आपको क्या लिखना है, यस एंड नो, तो यहाँ पे ये यस, ये मिरर हैफ है, यस ये भी है, तो ये मैं खाली टिक कर रहा हूँ, आप लोग यस और नो लिखना, ठीक है, ये मिरर हैफ नहीं है, ये मिरर हैफ है, यस और नो। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं,
देखो डॉटेड लाइन के ऊपर रखो, पूरा स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है ना, तो ये मिरर हैफ नहीं है। फिर ये टी जो है वो मिरर हैफ है, ये भी मिरर हैफ है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हार्ट है बेटा, हाँ ये तो है, ये एम ये भी था, ये है मिरर हैफ। चलो फिर से देखते हैं, ये देखो मैंने रख दिया, नहीं है ये मिरर हैफ, ओके तो ये मिरर हैफ नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है ही है ना, ओके और ये भी है, पता चल रहा है। देखो मैंने कौन कौन सा किया है, ये मिरर हैफ है, ये मिरर हैफ है, ये दो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है टी है, फिर ये बी है ना, दिस इज़ ऑल्सो मिरर हैफ, दिस वन इज़ नॉट, ये तो है मिरर हैफ, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये एम जो है वो भी मिरर हैफ है, पता चल रहा है सबको, ये नहीं है, ये तो है ही, और ये वाला दिस वन इज़ ऑल्सो एंड ये, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूँ क्या क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप लोग एक हाफ पेंसिल ड्रॉ करना, ठीक है, एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा यहाँ पे आप, मैंने तो पेंसिल लिखा है यहाँ पे, पेंसिल और ये थ्री थिंग्स आपको अपने हिसाब से ड्राइंग करनी है। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी, लाइक योर टीवी, या फिर टीवी भी ड्रॉ कर सकते हो, घर में देखो पूरा रेक्टेंगल टाइप में होता है ना टीवी, उसको ड्रॉ करो, या फिर आपको एक आधा कार्टून यदि आपको आता है ड्रॉइंग करने उसको ड्रॉ करो, या फिर मोबाइल को यहाँ पे ड्रॉ करो, या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। पेंसिल को आपको कैसे ड्रॉ करनी है, ऐसे खड़ी पेंसिल हो ना इस टाइप में ड्रॉ करनी है, पता चल रहा है आपको, यस बेटा, ऐसे 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 खड़ी पेंसिल ड्रॉ करनी है आपको इस टाइप में, ऐसे नहीं रखनी है, ठीक है, ऐसे वर्टिकली नहीं रखना है आपको, हाँ ऐसे ऐसे ड्रॉ करना हाफ पिक्चर, फिर इसको मिरर रखना, ऐसा जो मिरर होगा ना छोटा सा ऐसा मिरर ले लेना, फिर रख के देखना ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। और ये यहाँ पे अपनी इच्छा से एक और ड्रॉइंग करना, चलो पीछे देखो, हाँ अब ये जो है ना बेटा, यस पता चल रहा है यहाँ पे, हाँ इसके अंदर आपको मिरर रखना है सभी ये पिक्चर्स, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये करवाने वाला हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा मिरर हैफ है और कौन सा नहीं है, अलग अलग टाइप में आपको रखना है मिरर, तो आपको पता चलेगा, ओके। चलो तो फिर ये आपको होमवर्क में करना है, और ये जो है इसको भी आज होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है ये वाला, ओके, और इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिकली घर पर देखना, फिर ये भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ओके। आप वीडियो को पोस्ट करके देखना तो भी आपको पता चलेगा, और इसको भी आपको मुझे बताना ये मिरर हैफ है कि नहीं है, ये आपको नोटबुक में करना है, इसको इसी के अंदर कंप्लीट करना है, और इसको भी ये बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ये नोटबुक यहाँ ब्लैंक नोट पेपर में भी कर सकते हो, या नोटबुक में भी करना, मैथ की नोटबुक तो भी चलेगा, ओके। तो इतना आपको बेटा आज करना है, ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके बेटा, बी केयरफुल, और अच्छी तरह अपना हेल्थ का भी ध्यान रखो, और ये जो है ना इसको आप वीडियो को पोस्ट करके इसको कंप्लीट कर लेना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ और गुड हेल्थ रखो, ओके, बाय बाय।